नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आज हम बात करेंगे सपनों के बारे में। सपने तो हम सब देखते हैं, लेकिन मैं सपनों के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो किसी को नहीं पता होंगे। अगर आप सपनों के कुछ ऐसे फैक्ट्स जानना चाहते हैं जो आपको नहीं पता है, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। नंबर वन, जब कोई व्यक्ति खराटे मार रहा होता है तो वह उस टाइम कभी भी सपने नहीं देख सकता। नंबर टू, जब कोई व्यक्ति आपको कहता है कि उसको सपने नहीं आते, तो इसका मतलब कि उसको सपने आते हैं लेकिन वह भूल चुका है। नंबर थ्री, एक औसतन मनुष्य रात में 4 सपने और 1 साल में 1460 सपने देखता है। नंबर फोर, आपको कभी भी ये याद नहीं रहेगा कि आपका सपना कहाँ से शुरू हुआ था। नंबर फाइव, आप जागने के बाद अपने आधे सपने को भूल जाते हैं और 10 मिनट बाद आप 90% सपने को भूल जाते हैं। नंबर सिक्स, अंधे लोगों को भी सपने आते हैं। जो लोग जन्म के बाद अंधे बनते हैं उन्हें अपने सपनों में तस्वीरें दिखाई देती हैं, मगर जो जन्म से ही अंधे होते हैं उन्हें कोई तस्वीर नहीं दिखाई देती और उनके सपनों में चीजों की आवाजें, स्मेल, छूना और भावनाएं ही आती। नंबर सेवन, सपनों में हमें सिर्फ चेहरे दिखते हैं जिन्हें हम पहले से ही जानते हैं। हमारा दिमाग अपने आप चेहरे नहीं बनाता, सपनों में हमें सिर्फ वही चेहरे दिखते हैं जो हमने अपनी जिंदगी में या टीवी पर देखे होते हैं। नंबर एट, हर किसी के सपने रंगदार नहीं होते, सारे मनुष्य रंगदार सपने नहीं देखते हैं। पहले के समय में जब टीवी नहीं होते थे तब लगभग सभी लोग ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखते थे, मगर जब से रंगीन टीवी आए हैं तब से 95% लोग रंगीन सपने देखते हैं। नंबर नाइन, ज्यादातर सपने चिंता और फिक्र वाले होते हैं। सपनों में नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव इमोशंस से ज्यादा होते हैं। नंबर टेन, जानवर भी सपने देखते हैं। अध्ययनों के बाद पता चला है कि जानवर भी सोते समय मनुष्यों की तरह दिमागी तरंगे छोड़ते हैं। कभी आप एक कुत्ते को सोते देखना, वह अपने पैर इस तरह से हिला रहा होगा जैसे किसी का पीछा कर रहा। नंबर इलेवन, आदमी और औरत के सपने अलग अलग होते हैं। लगभग 70% आदमियों के सपने अन्य आदमियों के बारे में ही होते हैं, जबकि औरतों के सपने आदमियों और औरतों दोनों के बारे में होते हैं। नंबर 12, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपनी मौत के कुछ समय पहले अपनी पत्नी से कहा था, मैंने अपने सपनों में कुछ लोगों को रोते देखा है। नंबर 13, हम सोते समय 90 मिनट में एक सपना जरूर देखते हैं और हमें सबसे लंबा सपना सुबह आता है जो कि 30 से 45 मिनट तक का होता है। नंबर 14, अगर सपने में किसी को गंदा पानी दिखता है तो इसका मतलब ये है कि सपना देखने वाला सेहतमंद नहीं है। नंबर 15, हमारे प्राचीन वेदों में लिखा है कि यह संसार असल में एक सपना ही है और असलियत कुछ हो रही है। नंबर 16, सपने हमें लकवा ग्रस्त बनाते हैं। इस पल को बताने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी नींद के 4 चरण होते हैं। उनमें से एक चरण है रैपिड आई मूवमेंट। इस अवस्था के दौरान हमारी आंखों की पुतलियां तेजी से हिलती हैं। इस अवस्था के दौरान हम सपने देख रहे होते हैं। सपनों की अवस्था तब आती है जब हम नींद के रैपिड आई मूवमेंट चरण में पहुंच जाते हैं। इस अवस्था के दौरान हम स्लीप पैरालाइज का अनुभव करते हैं, यानी इस दौरान हमारा शरीर लगभग लकवाग्रस्त सा हो जाता है। हम जागृत अवस्था में होते हैं परंतु हिलडुल नहीं पाते। इस अवस्था के दौरान हम सपने देखते हैं। हमें हमारे आसपास का वातावरण जागृत अवस्था में दिखाई देता है। इस समय हमारा दिमाग काफी सक्रिय होता है। कई लोग इस अवस्था के दौरान अचानक जाग जाते हैं परंतु फिर भी हिलडुल नहीं पाते। यह अवस्था 5 मिनट तक चल सकती है, जब तक कि दिमाग के वह हिस्से फिर से सक्रिय ना हो जाएं जो शरीर के हलचल के लिए आवश्यक होते हैं। नंबर 17, सपने हमें सिखाते हैं। सपने जाने अनजाने हमारा बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भाग निभाते हैं। रैपिड आई मूवमेंट अवस्था के दौरान हमारे दिमाग के वह हिस्से काफी सक्रिय हो जाते हैं जिनसे हम पढ़ना सीखते हैं। यही वजह है बच्चे अधिक समय तक इस अवस्था से गुजरते हैं। सपनों के दौरान हम कई नई बातें सीखते हैं परंतु जागने के बाद हमें इसका एहसास नहीं रहता। नंबर 18, लगभग 5-10% लोग महीने में एक बार भयानक और डरावना सपना देखते हैं। इस तरह के सपनों में कोई हमारे पीछे भागता है। 3-8 साल के बच्चों को इस तरह के सपने अधिक आते हैं। नंबर 19, इलियास होबे ने सिलाई मशीन की खोज की थी। उन्होंने अपने सपने में खुद को आदिवासियों की कैद में देखा था जो उन्हें जलाने वाले थे। इस दौरान वह आदिवासी अपने हथियारों को अजीब तरह से सील रहे थे, परंतु इससे अलियान को सिलाई मशीन की तकनीक समझ आ गई। नंबर 20, जेम्स वाटसन, जिन्होंने अपने मित्र फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर DNA की खोज की थी, उनका कहना था कि उन्होंने अपने सपने में ढेर सारी पायर सीढ़ियां देखी थी। और ये थी मेरी आज सपनों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आई होप आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।